नमस्कार, आप देख रहे हैं टेकबान। मैं हूँ श्याम सुंदर, नया मेयर जम्मू का नए फैसले। हाँ जी, इस वक्त मैं हूँ जम्मू गवर्नमेंट सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल जो है उसके बाहर हूँ। यहाँ पे पार्किंग सिस्टम जो है वो येलो लाइन जो है वो डाली गई थी। जो भी व्यक्ति यहाँ पे गाड़ी लगाता था उसको पार्किंग के जो है वो चार्जेस दिए जाते थे, मगर कल से अगर बात करें तो कल से जम्मू मेयर राजेंद्र शर्मा ने जो है वो एक फैसला लिया है कि सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के बाहर जितनी भी गाड़ियां जो है वो पार्क की जाएंगी उन पे कोई भी जो है वो चार्जेस, पार्किंग चार्जेस जो है वो नहीं लिया जाएगा। आइए जनता से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि कैसा ये फैसला है। आइए जनता से बात करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम तरसेम लाल है सर। तरसेम लाल जी, पहले यहाँ पे पार्क जब गाड़ी करते थे तो पैसे देने पड़ते थे। कल से एक आर्डर निकाला गया है, जो नए मेयर आए उन्होंने आर्डर निकाला है कि सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के बाहर जितनी भी गाड़ियाँ जो पार्क की जाएंगी उनसे पैसे नहीं लिए जाएंगे, चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। ठीक, किस तरह का फैसला है ये? ये बेहतर है, सबके लिए अच्छा है, बहुत बढ़िया है सर। हाँ सर, ठीक है सर। तो कितनी बार आप यहाँ पे आए हैं? मैं तो आज पहली बार ही आया हूँ। हाँ, मैं प्रगवाल साइड से हूँ, तो पहली बार ही मैं अभी पार्क किया हूँ, गाड़ी खड़ी किया तो बस नीचे किसी ने कोई पैसे नहीं, कोई पैसा नहीं। कैसा फैसला लगता है ये? कैसे बढ़िया फैसला लगता है, बहुत बढ़िया, सबके लिए अच्छा है, बढ़िया। सिर्फ यहीं पे होना चाहिए या बाकी जगह? नहीं, बाकी जगह में होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जी। अच्छा किया जो उन्होंने फैसला किया कि पार्किंग उठा दी है, ये बिल्कुल बढ़िया किया। क्योंकि जो भी आता है जहाँ पे मुसीबत पे आता है, वो कोई गरीब आ रहा है, कोई कैसे आ रहा है, कहाँ पार्किंग के पैसे देंगे वो। अच्छी बात की है ये गवर्नमेंट ने जो पार्किंग उठा दी है यहाँ हॉस्पिटल की, और इधर हॉस्पिटल के आगे इतनी गाड़ी आती है कि कहाँ से लोग पार्किंग देंगे, क्या करेंगे क्या नहीं। ये तो उन्होंने बिल्कुल सही किया कि पार्किंग उठा दी है। बाकी कई ऐसी जगहें हैं जहाँ पे हाँ, बहुत जगहें ऐसी हैं, जैसे कि आप मानो कि गांधीनगर चले जाओ, बक्सी नगर चले जाओ हॉस्पिटल, जहाँ शालामार चले जाओ, जहाँ पर तो बिना पार्किंग के गाड़ी खड़ी नहीं करने देते हैं। बोलते हैं पार्किंग दो तो गाड़ी खड़ी हो जाएगी, नहीं पार्किंग दो तो गाड़ी खुद उठा के तो बोलेंगे हमें क्या पता आपने पार्किंग में थोड़ी लगाई है ये गाड़ी। कितने चार्जेस करते हैं वहाँ पे? तो शालामार में तो 20 भी लेते हैं, 50 भी लेते हैं, 100 भी लेते हैं, हर एक जगह ऐसे ही करते हैं ये। तो ये अच्छा फैसला है, ये बिल्कुल सही फैसला किया कि जो इन्होंने पार्किंग उठा दी है। ठीक है, लोगों के लिए, गरीब लोगों के खास कर जरूर अच्छा, ठीक है, अच्छा फैसला है। हाँ अच्छा, गैर गरीब लोगों के लिए अच्छा है। जो छोटी छोटी गाड़ियाँ है बेचारे के, किसी के पास किसी पैसा होता है किसी वक्त नहीं होता है, ये अच्छा फैसला है। पहले मंडे और थर्सडे को लेते थे, बस अच्छा। मंडे और थर्सडे को लेते थे, ऐसे नहीं लेते थे। तो आप ये फैसला जो लिया है अच्छा है, आम आदमी को फैसिलिटी मिलेगी सर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लिया गया सिटी के अंदर। आज जनता को परेशानी आ रही है, जहाँ जहाँ भी इन्होंने पीली लाइन डाल दी है वहाँ इन्होंने पार्किंग बना दी है, तो इसको हम अप्रिशिएट करते हैं। और मेयर साहब ने ये बहुत बड़ा कदम उठाया कि लोग परेशान थे, जहाँ हजारों लोग सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आते हैं और गाड़ी लगाए, पीछे पार्किंग बनी हुई है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से भी यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो पीछे पार्किंग बनी हुई है सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की, बहुत बड़ी पार्किंग है, इनको लोगों को अवेयर करना चाहिए, अपने सिक्योरिटी गार्ड लगाने चाहिए, और ये रोड से गाड़ियाँ सारी अंदर लगनी चाहिए फ्री ऑफ कास्ट। तो इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं अपने मेयर साहब को, और जनता से भी ये अपील करते हैं कि वो भी गाड़ी पार्क करने के लिए थोड़े ध्यान से करें, इसमें किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, यहाँ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में बहुत से लोग आते हैं बाहर से अपना इलाज कराने के लिए, और वो बड़े दुख के मारे होते थे। कोई पुंछ से आ रहा है, कोई रजौरी से आ रहा है, कोई डोडा से आ रहा है, कोई भद्रवाह से आ रहा है, कोई श्रीनगर से आ रहा है, जम्मू से भी आ रहे हैं। तो वहाँ जब पार्किंग होती थी तो उनसे किसी से 200, किसी से 300, किसी से 400, किसी से 500 पार्किंग का रेट के हिसाब से उनसे लिया जाता था। तो मेरे ध्यान में ये बात आई कि जो आगे ही दुखी है उसको और कितना दुखी करेंगे हम। तो इसलिए अगर हमारी बाकी जगह पार्किंग चल रही है तो जहाँ से हम हटा देते हैं ताकि लोगों को सहूलियत हो। और जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अपनी जनता के लिए है और जनता की समस्याओं के समाधान के लिए है और उनके हित के लिए है, इसलिए हम सब पार्षदों ने यह तय किया है कि जो जनता के हित में होगा, जो जम्मू के हित में होगा, वो हम फैसले लेंगे। और ये भी एक उसी स्तर का फैसला है। सुपर स्पेशलिटी की बात करें, गांधीनगर हॉस्पिटल की बात करें या मेडिकल कॉलेज की बात करें,
लेकिन अभी फिलहाल हमने सुपर स्पेशलिटी का ही निर्णय लिया है, बाकी जगहों का निर्णय नहीं लिया है। जो गांधीनगर का हॉस्पिटल है वहाँ लोकल लोग आते हैं ज़्यादा, यहाँ बाहर से आते हैं, और ये क्योंकि यहाँ स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट है तो जो भी आदमी आता है वो लेटर स्टेज ऑफ एलमेंट में होता है। बहुत सी चीज़ें हमने कंसिडर की हैं, उसके बाद ये निर्णय लिया कि यहाँ से हम इसको हटाइए। हालांकि आपने इस चीज़ के लिए ऑब्जेक्शन भी किया था, आपके वार्ड में जो वो लाइट नहीं डालने दी गई थी, मगर शहर के कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहाँ पे बहुत कंजस्टेड एरिया है, वहाँ पे भी लाइट डाली। येलो लाइन की जो आप बात कर रहे हैं वो फिलहाल तो अभी बंद हैं, और आने वाले समय में हम ट्रैफिक का ऐसी व्यवस्था करेंगे जिससे ये समस्या हमें ना हो, क्योंकि आपने देखा जो शहर जो बाज़ार कंजेस्टेड होते हैं उनको बांधने के लिए वहाँ की व्यवस्था के लिए ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जाता है या ऐसा रूट बनाया जाता है जिसमें ट्रैफिक के कारण वहाँ समस्या ना हो। इसी प्रकार से आप दिल्ली में भी देखो कि वहाँ जो जो कंजेस्टेड बाज़ार हैं वहाँ ट्रैफिक नहीं होती है और बाकी जगह से ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जाता है, उसी प्रकार की व्यवस्था हम यहाँ भी बनाने वाले हैं। फैसला जो है ऐतिहासिक फैसला है, क्योंकि हर जगह शहर के कितनी भी इलाके की अगर बात करें तो वहाँ पे येलो लाइन जो है वो डाल दी गई थी, जिससे लोगों को जैसे ही गाड़ी रखती थी तो लोगों से चार्जेस जो है वो किए जाते थे, मगर ये फैसला जो है वो सराहनीय है। ऐसा फैसला जो है उसका सभी लोग जो है अप्रिशिएट कर रहे हैं। जम्मू की अगर बात करें, जम्मू के कई ऐसे हॉस्पिटल जहाँ ऐसी जगहें हैं जहाँ पर ये येलो लाइन डाली गई है, मगर वहाँ पर भी ये जो ऑर्डर जो है वो लागू हो चुका है कि किसी से भी जो है वो पार्किंग चार्ज नहीं लिया जाएगा। एक मिनट की तमाम बड़ी अपडेट डिस्ट्री प्राप्त करने के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9728253663। श्याम सुंदर, टेक वन, जम्मू। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप करिए 9728253663 पर।